bounds. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जा रहे हैं हम लोग रिवर के साइड भैया के साथ, पीछे हैं भैया और भाई के साथ, क्योंकि हम लोग का जो एरिया है, जो हम लोग का विलेज एरिया है, ये क्या रहता है कि हम लोग का फार्मिंग एंड फिशिंग पे ज़्यादा इन लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो आज जा रहे हैं हम लोग रिवर के साइड ये सब देखने के लिए। भैया को इस बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी है, इसलिए भैया ले रहे हैं, और वैसे भी भैया डॉक्टर हैं तो मेरे लिए छुट्टी लेके आए हैं अभी। अभी हम लोग वहाँ पर से गाड़ी नहीं आ पाया, तो भैया हैवी ड्राइवर नहीं थे तो ला नहीं पाए गाड़ी। अबे साले, तो अभी हम लोग 1 किलोमीटर पैदल आए हैं। ये हम लोग खेती का इलाका पे घुस चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पम्पकिन का पेड़ है, यहाँ पर पम्पकिन का खेती हुआ है, और ज़्यादातर पम्पकिन का ही खेती होता है यहाँ। एंड देखिए कद्दू, पम्पकिन पूरा फ्रेश प्योर ऑर्गेनिक, ये देख सकते हैं यहाँ पर कद्दू, ये रहा। एंड ये फिर इधर देखिए कितना बड़ा है ये। यहाँ पर ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं ये सब पूरा कद्दू का है, और ऐसे ऐसे एरिया यहाँ पर बहुत सारे हैं। बहुत सारे मीन्स कम से कम 50-100 ऐसे खेती रहेंगे यहाँ पर। यहाँ से पूरा सस्ता, मतलब पूरा कम रेट पर ही यहाँ से बिक्री होता है, यहाँ से जाता है यहाँ पर, जो कि क्या बोलते हैं, जैसे कि बड़ा सा जो रिसेलर रहते हैं ना, उन लोग के पास जाता है। बाकी ये जगह जैसे है, ये जगह पे अपन का विलेज का इलाका या बाहर का इलाका से ना, यहाँ कम गर्म लगता है। यहाँ अभी भी हवा चल रहा है, अब देखिए ये पत्ता से देख सकते हैं, यहाँ भी हवा चल रहा है, अभी मतलब गर्म नहीं लग रहा है, महसूस नहीं हो रहा है कि गर्मी का मौसम है बोल के। यूजली ये होता है तंबू, जब फार्मर लोग ये खुद बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी इतना होती है, गर्मी पे उन लोग को रेस्ट भी लेना होता है काम करने के बाद, तो यूजली ये जस्ट होता है। देखिए यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो इनके पानी का यूज़ के लिए हो गया, और ये होता है तंबू जहाँ पे उन लोग दोपहर को कर सकते हैं रेस्ट। रिमेनिंग यहाँ पे जो होता है, ये सारा इलाका जो भी है यहाँ पे होता है खेती, मोस्टली वहाँ पे हो रखा है पम्पकिन, ठीक है, यहाँ पे हो रखा है बिटरगढ़ यानी कि करेला, और उधर जाओगे तो आपको मिलेगा वाटरमेलन एंड ऑल। तो अभी धीरे धीरे हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये शाम हो रखा है, और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करेला का जो खेती होता है, यहाँ पर करेला, ये देखिए ये रहा करेला, इतना छोटा छोटा है, यहाँ पर बड़ा वाला ये, और उधर ये, मतलब पूरा झोता झोता करेला होता है यहाँ पर, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ऐसे इसका मतलब पक के भी सड़ के भी गिर जाता है। ये देखिए ये रहा, यहाँ पर इतना होता है मतलब खेती की, मतलब कि पक के भी गिर जाता है यहाँ, और पूरा ऑर्गेनिक होता है। अभी हम लोग आते आते ना और एक अलग खेती पे आ गए हैं, जो कि लौकी का खेती है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको लौकी, ये देखिए ये सब लौकी का, हम लोग का क्या है कि ये फूल है, इसी से लौकी होता है, और शिवानंद दिखाएगा हम लोग को। देखिए ये छोटा छोटा लौकी है, बड़ा वाला यहाँ नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला जो लौकी है वो सब बिक्री हो जाता है, ठीक है, उस साइड है बड़ा वाला शिवानंद, वो देखिए उतना बड़ा है, ये भी हाँ यहाँ पर भी है, ये रहा, ये देखिए वो, देखिए एक डोम्बो लौकी, तोड़ा हुआ था पहले से, मतलब हमारे नाम पे केस हो जाएगा, हमने नहीं तोड़ा है भाई, ठीक है। देखिए मैं आपका लौकी रख दे रहा हूँ आपका खेत पे, मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे फार्मिंग इतना ज़्यादा होता है कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम आते हो यहाँ पे दोपहर को, बोलोगे कि भैया मेरे को भूख लगी है, तो तुम खा सकते हो यहाँ पे आके, जैसे कि हो गया तरबूज मिलता है यहाँ पे, तो आओ एक दो खाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसके पैसे भी नहीं लगते यहाँ पे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो भैया लोग हैं अपने गाँव के, सब मछली मार के वाला आ रहे हैं, कैसे इसको नदी टाइप का जो है ये क्रॉस करके जा रहे हैं। यहाँ पर कितना प्यारा सनसेट हो रहा है आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर जो भैया लोग हैं इतना पानी पे क्रॉस करते हैं ये मछली।
जो एनाकोंडा मूवी अगर देखे हो तो वही फील आएगा आपको। एंड यहाँ पर देख सकते हो भैया पीछे से अपना सूट ले रहे हैं, सूट कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे सैंडल का हालत। तो अभी हम लोग जितना फार्मिंग एरिया में दिखाया, जितना एरिया कवर हो सकता था उतना दिखाया। और जैसे कि अभी शाम भी हो चुका है तो कुछ एरिया जैसे कि तरबूज वरबूज वो सब मैं दिखा नहीं पाया। तो एक नेक्स्ट वीडियो सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा जो फिशिंग कैसे होता है अपना गाँव पर अपना इलाका पर, वो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।